गांव में करीब 97 किसान हैं और सभी किसान अभी खेती बाड़ी ही करते हैं। ये साल में एक ही बार खेती करते हैं। यहाँ जीरा फूल धान भी लगता है और ये बड़ा वाला धान भी लगता है और यहाँ के सभी लोग कृषि पर ही आश्रित रहते हैं। उस इलाके में एक खासियत ये रही है कि जीरा फूल चावल जो उस क्षेत्र का उत्पादित चावल है, सुगंधित चावल है, और उस चावल का बाजार व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो इसी संदर्भ में सेल्को फाउंडेशन से हमारी संपर्क हुई तो इस प्रकार एक प्लांट लगी जो प्रोसेसिंग का, और ये पूरी तरह से सोलर से चल रही है। और ये प्लांट ऐसे जगह में लगा जहाँ पर बिजली की साधन, बिजली की उपलब्धता नहीं थी। पहले तो ये मशीन नहीं था, जिस समय हम लोग बहुत ही कठिनाइयों का सामना किए, अपने ही ताकत से ले जाना पड़ता, जैसे सिर में ही ढो के ले जाते थे। यहाँ से करीब हम लोग को 5 किलोमीटर दूर धान को कुटाई करवाने के लिए ले जाते थे। लेकिन अभी जब भी हम लोग का SHG समूह का गठन हुआ, समूह के माध्यम से हम लोगों को अभी ये सोलर एक से धान कुटाई का जो मशीन मिला है वो हमारे लिए अभी बहुत ही लाभदायक है। अभी हम सभी लोग वहाँ दूर ना ले जाके अभी हमारे ये RAC कुरों में जो लगा है ना, उसी में हम लोग सभी ले जाते हैं। और उसमें जो कूटने का ये है, और जगह ले जाने से तेल खर्च लगता है, उसमें हम लोग को लागत भी ज़्यादा, जैसे कुटाई का ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सोलर से चलता है ये तो अपने से ऊर्जा ही प्राप्त करके ये चलते रहता है, इसलिए यहाँ हम लोगों को ले जाने से थोड़ा सा कुटाई में कम खर्च पड़ता है। ये सोलर से चलने वाला मशीन से 500 किसान जुड़े हुए हैं। और लॉकडाउन में बाहर मशीन बाजार में मार्केट में नहीं चलता था, तो यही वाला मशीन से कुटा के हम लोग ले जाते थे। एक घंटा में 40 KG तक कुटाई करते हैं। फिर हम लोग इसे दिन भर में 4 क्विंटल तक कूटते हैं हम लोग। इस जीरा फूल राइस को इस पैकेट के द्वारा पैकेजिंग करके 80 रुपीज पर यूनिट पैक किया जाता है और इस राइस को सप्लाई किया जाता है रांची ज़िले में, जो कि वहाँ के अलग अलग शॉपिंग मॉल्स हुए, वेंडर हुए, वहाँ पर इन लोगों को सप्लाई किया जाता है। पैसा आता है हम लोग को महीना में, हम लोग 10 से 15 हज़ार रुपया हम लोग कमाते हैं। हमारा मानना है कि ये छोटा सा प्रयास शुरू किया गया और ऐसे प्रयासों को पूरे झारखंड में लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा एक विकल्प साबित होगा, खास करके रोजगार के लिए।